मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हर दिन वह चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 20 साल बाद विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ भानु प्रताप शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। विरोधियों की चिंता से बेफिक्र शिवराज टिकट की घोषणा के साथ ही प्रचार अभियान में जुट गए हैं। NavBharatTimes.com की टीम भी एक दिन उनके साथ चुनावी यात्रा पर निकली। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रायसेन जिले के सिलवानी में प्रचार के लिए निकले थे। यह भोपाल से करीब 175 किलोमीटर दूर है। भोपाल से सिलवानी के लिए जब शिवराज सिंह चौहान निकले तो जगह जगह पर उनके लिए लोगों का प्यार दिखा। लोगों को खड़े देखकर शिवराज अपनी गाड़ी रोक देते थे, इसके बाद उनसे मिलते और आगे की ओर निकल जाते। चुनावी यात्रा के दौरान NavBharatTimes.com के संवाददाता मुनेश्वर कुमार ने उनसे हर मुद्दे पर बातचीत की है, जिसका बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। आइए देखते हैं नवभारत टाइम्स में शिवराज सिंह चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव परवान जोर पर है और तमाम जो बड़े नेता हैं चुनावी मैदान में उतर गए हैं। विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और टिकट की घोषणा के बाद से शिवराज सिंह चौहान जी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं शिवराज जी। NavBharatTimes.com में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप टिकट की घोषणा के साथ ही शिवराज सिंह चौहान मैदान में? हम तो हमेशा ही मैदान में रहते हैं। इसके पहले पार्टी ने जवाबदारी दी थी कई प्रदेश में दौरा करने की, तो लगभग 10 राज्यों में मैं दौरा करके आया और टिकट के ऐलान के बाद भी पार्टी का काम बाकी जगह भी कर रहा हूं और अपने संसदीय क्षेत्र में भी जनता का आशीर्वाद ले रहा हूं। कांग्रेस की मैनिफेस्टो आई है, मैनिफेस्टो कमेटी में आप भी हैं बीजेपी के, आपकी कई योजनाओं का नकल है, खासकर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना। कांग्रेस ना तो असल कर पाती है ना नकल कर पाती है। उनके दिमाग में ना तो जन कल्याण है और ना अपने देश का उत्थान है। झूठ का पुलंदा उनका घोषणा पत्र होता है। अब उनने नकल की है लेकिन वो जानते हैं कि सरकार में तो आनी नहीं है, उनको करना धरना कुछ है नहीं, इसलिए झूठी गारंटी वो देने का काम करते हैं। हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। विदिशा में कितना मार्जिन होगा इस बार, चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया भानु प्रताप शर्मा को, 20 साल बाद आप भी विदिशा वापस लौट रहे हैं, मतलब ऐसे तो एक्टिव रहते थे लेकिन एक चुनावी राजनीति की शुरुआत के लिए फिर से 20 साल बाद लौट रहे हैं? देखिए, मैं तो हर प्रत्याशी का सम्मान करता हूँ, हर एक की अपनी मानवीय गरिमा होती है। हम लोग लोकतंत्र को चुनाव का महाउत्सव मानते हैं, इसलिए अपनी जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए काम कर रहे हैं। कितने वोट से जीतेंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है। देखिए, ये भी दंभ और अहंकार की भाषा में कभी नहीं बोलता कि रिकॉर्ड बना देंगे। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जो भी आशीर्वाद जनता देगी वो सिर माथे पर। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आप लोगों ने, एक को राजगढ़ में एक को छिंदवाड़ा में, दो जगहों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। कांग्रेस में नेता नीति नियत कुछ बची ही नहीं है। कमलनाथ जी उलझे बेटे को जिताने में और इतने साल मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह जूझ रहे हैं केवल अपने संसदीय क्षेत्र में। सही बात यह कि कांग्रेस अब समाप्ति की तरफ है। कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। कांग्रेस की लीडर से भारत की माटी और जड़ों से जुड़ी नहीं है और इसलिए कांग्रेस तो टूट रही है, बिखर रही है, ये दोनों भी चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के नेता को चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं, जा जाकर वोट के साथ नोट मांग रहे हैं और मामा जब निकल रहे हैं चुनावी मैदान में तो भांजियां ट्रेन में उनके लिए गुल्लक लेकर आ जा रही हैं, महिलाएं पैसे लेकर आ जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी आपको किसी ने रिंग बीट कर दिया था? मैं जहाँ जाता हूँ, ये अद्भुत संबंध है, ये रिश्ता स्नेह प्रेम और आत्मीयता का रिश्ता है कि बहने मुझे, बच्चे भांजे भांजियां मुझे चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे देते हैं।
नहीं तो अक्सर ये होता है कि चुनाव लड़ने आए हो तो पहले पैसे की व्यवस्था है कि नहीं तुम्हारे पास चुनाव लड़ने के लिए, ये व्यवस्था सारी जनता करती है। ये मेरे लिए आत्मसंतोष का विषय है। सचमुच में जनता का प्रेम पाकर ही तो अपन जीवन को धन्य मानते हैं। तो कितने पैसे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप उन पैसों का? वो मैं जहां मिलते हैं उसी मंडल में उसी विधानसभा में देता हूं कि आप इससे चुनाव लड़ने की व्यवस्था करें। शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में ही रहकर मध्य प्रदेश के लोगों को की सेवा करूंगा। अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है शिवराज सिंह चौहान? मतलब एक तो साफ हो गया कि आप विदिशा से चुनाव जीतेंगे और जाएंगे, तो आगे की भूमिका अपने आप को आप किस रूप में देखते हैं? देखो, देश में रह के भी दिल्ली में संसद है तो संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। हम लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं जो एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं। देश की सेवा और जनता की सेवा का माध्यम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। तो पार्टी हमारा मिशन जहां हमें तय करता है हम काम करें, हम वही काम करते हैं। पार्टी ने कहा कि अब लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लोकसभा का चुनाव लड़के संसद से ही प्रदेश की सेवा भी करेंगे, जनता की सेवा भी करेंगे, देश की भी करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, मैनिफेस्टो में भी हैं। क्या खास होगा इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में, किन वर्गों का खासकर ध्यान रखा जाएगा? अभी मैनिफेस्टो पर विचार विमर्श चल रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन विकसित भारत हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी जन भावनाओं को जानते हैं, जनता के दिलों में बसते हैं और देश की जनता उन पर असीम श्रद्धा और अटूट विश्वास करती है। तो वह सोच समझ के हम अपने मैनिफेस्टो को बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अपने सुझाव दीजिए, तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे, उनका भी समावेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई बड़े राजनेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का प्रचार का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। कभी ट्रेन से आप चले जाते हैं, रात में गांवों में जाकर बैठ जाते हैं, उनके घर में खाना खाने पहुंचे, तो पहले से सब कुछ तय होता है कि अचानक चलते हैं और चलो आज ये कर लेना, इनसे मिल लेना कहीं? नहीं नहीं, ट्रेन में जाना तो पहले ही तय करते हैं कि ट्रेन में जाएंगे। जैसे आज ही मैं गांव में रुकूंगा रात में, अपने ऐसे भाई बहन जो थोड़ी कष्ट में जीवन जीते हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, उनके जीवन को देखना, ये मैं बहुत पहले से करता रहा हूं ताकि समस्याएं समझ के उसका समाधान निकाल पाए। तो ये भी जैसे आज ही मेरे मन में आया कि बीकलपुर में रुकना है तो हम किसी गरीब परिवार में रुकेंगे ना। शिवराज जी, आपको मैं 2018 से बहुत करीब से देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव हुए थे। शिवराज सिंह चौहान सत्ता में रहे न रहे लेकिन जनता के बीच में ही रहते हैं। मैंने देखा जब आप 2018 में बीजेपी की हार हुई थी और कुछ दिनों के लिए आप नहीं थे सीएम, फिर भी आप ट्रेन में ट्रैक्टर पर 24 घंटे एक्टिव रहते थे। तो कांग्रेस के नेता आपसे सीखते नहीं है क्या कि मतलब जब चुनाव हारते हैं तो गायब हो जाते हैं? लेकिन अब ये तो वो जाने, लेकिन मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और सेवा, हम ये शर्त थोड़ी लगा सकते हैं कि हम किसी पद पर रहेंगे तो ही सेवा करेंगे। सेवा तो हर हालत में की जा सकती है, जनता अपनी जिंदगी है और मैं जनता के बिना नहीं रह सकता क्योंकि जीना ही उनके लिए है। और इसलिए किसी भी स्थिति में रहूं मैं जनता के बीच रहता हूं और उनकी सेवा करने की कोशिश करता हूं। बीजेपी काफी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत आपके नेतृत्व में मिली। तो आपको कब पता चला कि अगले सीएम मोहन यादव होंगे, हालांकि आप दोनों के काफी मधुर संबंध हैं? नहीं, मोहन जी बहुत योग्य नेता है, बढ़िया सरकार चला रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ मंत्री रहे, छोटे भाई के रूप में काम किया और आज मोहन यादव प्रदेश संभाल रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व ने सोच समझ के फैसला किया है कि मोहन जी अब प्रदेश का नेतृत्व करें और प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और तो आपको कब पता चला था, विधायक दल की मीटिंग के वक्त ही अन्य लोगों की? नहीं, विचार विमर्श की पूरी प्रक्रिया चलती है, घोषित तो उसी दिन किया जिस दिन विधायक दल की बैठक थी। दूसरा, बीजेपी के तमाम नेता मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक मध्य प्रदेश से दूर हैं और आपके निशाने पे भी रहते हैं लगातार। निशाने पे रहने का सवाल नहीं, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया उनने, कांग्रेस कहीं बची नहीं साहब।
आज हालत ये कि उनके गलत फैसलों के कारण, आत्मघाती फैसलों के कारण कांग्रेस आज लगभग समाप्ति की ओर है। तो निशाने पर लेने का सवाल नहीं है, अगर आप नेतृत्व कर रहे हो तो देश को तो जानो, देश की समस्याएं जानो, उनको देश, देश की माटी, देश की जड़ों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक आखिरी सवाल कि आप आदिवासियों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, जहां जाते हैं उनके रंग में रंग जाते हैं, पेशा एक्ट पहली बार मध्य प्रदेश आपकी सरकार में आई, अब आदिवासी बाहुल सीटों पर रतलाम, झाबुआ, इन जगहों पर चुनाव है, आप वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? अभी मुझे पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्रों में जो पहले चरण में चुनाव है जाने का कहा है, तो मैं समय दे रहा हूँ और बीच में मैं जाऊंगा। तो बिल्कुल अभी हमारी चुनावी यात्रा जारी है, आज हम पूरे दिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के साथ रहेंगे और दिखाएंगे आपको इनकी चुनावी यात्रा के रंग, दिखाएंगे कि कैसे लोगों से संवाद करते हैं, कैसे इनकी लोकप्रियता है, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में इनके जोर का, खासकर लोकप्रियता के मामले में कोई नेता नहीं टिकता है, मतलब जहां मामा खड़े हो जाते हैं वहां लोगों की भीड़ जमा होती है। तो ये सफर आगे आप जारी रहेगा। novaratimes.com के सफर के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद चुनावी सभा के लिए रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ के लिए आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान भी रुक रुक कर उनसे मिलते रहे। शाम को वह प्रतापगढ़ के गाँव पहुंचे। यह गाँव आदिवासी बाहुल है। शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में गाँव में लोग जमा थे, खासकर भांजे, भांजिया और लाडली बहनों की भीड़ थी। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से संबोधन के दौरान उनके रंग में रंग गए। संबोधन के बाद वे स्थानीय लोक कलाकारों के बीच में पहुंच गए, उनके साथ गाना गाने लगे। इसके बाद मंच से पहुंचकर लाडली बहनों के बीच पहुंचे, जहां बहनों ने उन्हें घेर लिया। बहनों की आंखों में आंसू और प्यार देखकर मामा भी भावुक हो रहे थे। चुनावी सफर के दौरान novaratimes.com ने बहनों का प्यार देखकर शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की है। हम अभी प्रतापगढ़ पहुंच गए हैं चुनावी यात्रा में। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर बहनों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। शिवराज जी, बहनों के प्रति आपका प्यार, बहनों का प्यार भी है, उनकी समस्याएं भी जान रहा हूं मैं। भांजी भांजिया भी आ रही है मामा से मिलने। ये बहने पैसे भी दे रहे हैं। देखिए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बहने आकर सिक्के भी दे रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मंच से उनसे अपील की थी कि आपका भैया चुनाव लड़ रहा है, भैया के लिए आपको करना है। कैसा कैसा लग रहा आप जिस क्षेत्र में शिवराज, जिस क्षेत्र में आप आए हैं, आदिवासी अंचल है, मुस्लिमों पे भी आबादी है, मुस्लिमों में भी आपके प्रति काफी प्यार दिख रहा है। जनता जनता है, वो कोई भी वर्ग की हो, सबकी सेवा करती है। बिल्कुल, तो आप देखिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, इसके बाद एक गांव में जाएंगे, वहाँ पर एक आदिवासी के घर में खाना खाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। तो चुनावी यात्रा में फिर हम आपको उस गांव में भी लेकर जाएंगे जहाँ पर रात में शिवराज सिंह चौहान रुकेंगे। फूलमार गांव से खाना खाने के बाद शिवराज सिंह चौहान वहां से कुछ दूरी पर स्थित विकलपुर गांव के लिए निकल गए, जहां एक गरीब परिवार के घर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। यात्रा के दौरान अब रायसेन जिले के सिलवानी में फूलमार गांव यहां पर पहुंचे हैं और इसी गांव के एक घर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर खाना खाएंगे। खाने की तैयारी देखिए इस तरीके से यहाँ पर हो गई है और इधर घर की जो महिलाएं हैं वो खाना तैयार कर रही हैं। बिल्कुल देसी अंदाज में यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है और सब लोग पंगत में बैठकर, खासकर जो जिस तरीके से जो गांव का कल्चर होता है, जब कोई मेहमान आता है तो किस तरीके से महिलाएं उनके लिए खाना तैयार करती हैं, तो यहाँ भी खाना तैयार किया जा रहा है और इधर प्लेटें भी लग गई हैं। बिल्कुल जो घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल देसी अंदाज में जो गाँव में जो खाना लोगों के लिए परोसा जाता है, मिलेट से तैयार किए गए खाने हैं, कढ़ी हैं, घर की सब्जियां हैं, सलाद हैं, पापड़ हैं। तो बिल्कुल गांव में इसी अंदाज में जो अतिथि आते हैं उनका स्वागत होता है। इस घर की मालकिन हमारे साथ, क्या नाम है? देव कुमारी। आपको पता था कि आज शिवराज सिंह चौहान आपके घर आएंगे? हाँ जी, पता था।
आने वाली है और ठीक पहले से यहाँ की पहले से हमारे बुजुर्ग के उनकी मतलब जी पहले से आती जाती रहती थी राम भाल भैया जी भाई जो कुछ व्यवस्था अपने पास में है तो हम खुश दिल से उनको स्वागत कर रहे हैं। क्या क्या बनाई है? चने की भाजी, दिल्ला की टिक्का और पापड़, कड़ी, मूंग की दाल। तो आपको पता है शिवराज सिंह को क्या पसंद है खाने के लिए? अब बेटा पसंद तो नहीं है आपने मगर अपने दिल से बना दिया और पूरी भी बनी है, आलू की सब्जी भी बनी है, सब कुछ जो कुछ हम बनाने के लिए आपके जी हमारी सब हमारे परिवार की पूरी। तो पहले भी आपके घर में कोई नेता है? अब नेता है आपके परिवार से भी लोग राजनीति में? आपके परिवार से भी लोग राजनीति में? हाँ उनके परिवार से सही है राजनीति में, जय घर से आते राजनीति परिवार राजनीति। अच्छा आप क्या कर? कुछ नहीं बेटा किसान ही है रहे हैं वो काका। और आपके बच्चे? बच्चे नहीं कही है लड़का जो मुझे परिवार की। अच्छा तो आपको किन लोगों ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान आपके घर आए? अब हम जैसे किसी ने नहीं बताया, मैंने मालूम हो गया था कि अपने मोबाइलों द्वारा हमने सोची के आए हैं भैया भी तो ले हैं खबर। तो भैया से मिले? अभी तो नहीं मिले अब मिले। चलिए आपको मिलवाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कि लोग खाने के लिए बैठे हैं, अब हम चलते हैं जहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोगों के साथ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। उनका संगत यहाँ पर लग गया है, पूर्व सीएम अपने लोगों के साथ यहाँ पर बैठ गए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए मतलब उनकी थाली सज गई है और खाने पर तो बैठ गए हैं और जो उनके लिए खाने तैयार किए गए हैं और उसका स्वाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अब आइए हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। बहन भी आ गई है, इन्होंने ही खाना तैयार किया है। आप आज बहुत अच्छा लगो, पहले भी आप आज लगा दिया थे आप दादाजी दे तो मैं याद करी तो मैं सांसद था तब हुआ था, अब फिर आ गया। मैं कह रहा दादाजी के जमाने में आपात थे, आपने सब कुछ किया, अच्छो ध्यान करे और अच्छी खबर लाई आप लोगों ने हम दी। अब आगे भी खूब 5 साल आपके बीच में भाजी चने की बहुत अच्छी बनी। शिवराज जी बहन ने आपके लिए प्यार से खाना तैयार किया, क्या बहुत स्वादिष्ट है चने की भाजी। आजकल शहरों में बनना दुर्लभ हो गई है, लेकिन चने की भाजी भी है, कढ़ी भी है और मूंग की दाल भी है, मिर्ची भी है, अद्भुत है भोजन। बहन का प्यार भी मिला हुआ है। मिलेट्स भी दिख रहा है आपकी थाली। हाँ ये गेहूं की रोटी नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर बैठकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान खाना करें। दूसरा एक सवाल कि पूरे दिन आपकी व्यस्तता रहती है, सुबह भोपाल से निकले हैं उसके बाद इत्मीनान से बैठकर यहाँ पर खाना खाएंगे, खुद को फिट कैसे रखते हैं, कितना वक्त मिल पाता है, कितनी देर सो पाते हैं? जनता का प्यार मुझको फिट करता है, लोगों से मिलता हूँ, भाई बहनों से मिलता हूँ, भांजे भाइयों से मिलता हूँ और उनसे ही नई ऊर्जा मिलती है उनकी और सेवा की। तो बिल्कुल लगातार दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद लोगों से मिलना, चुनावी रैलियां करना, उसके बाद यहाँ पर खाने के लिए पहुंचे हैं और इत्मीनान से जो घर का बनाया हुआ खाना है बैठकर अपने समर्थकों के साथ खा रहे हैं। तो आज की चुनावी यात्रा novaratimes.com की यहीं पर समाप्त होती है, फिर अगली कड़ी में हम आपको किसी और नेता के साथ भी चलेंगे और उनके बारे में बताएंगे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए फुलपुर गाँव से मुनीश्वर।